मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है, मैं सनमुखा एग्रीटेक लिमिटेड लखनऊ की तरफ से आज यहाँ ग्राम पंचायत घगसी जो कि जिला बाराबंकी में पैतेपुर के पास पड़ता है, ये हमारे किसान जो है रमेश चंद जी हैं घगसी घगसी के हैं, तो इन्होंने हमारी कंपनी का धामन अपने धान की फसल लाल मिट्टी वैरायटी है उसमें इन्होंने जो है धामन का प्रयोग किया था, तो उसी के परिणाम के बारे में आज भैया से जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले सर थोड़ा अपना नाम बता दें। मेरा नाम रमेश कुमार है, गांव घगसी, ग्राम घगसी, जिला बाराबंकी। जिला बाराबंकी। फोन नंबर क्या है सर? 9936209038। 9926 36। 9936209038। 2098 ये भैया का फ़ोन नंबर। तो सर इसमें जो है आपने हमारी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट डाले हैं? धामन। धामन ये रुपाई के कितने दिन बाद डाले थे सर? करीब 25 दिन बाद। 25 दिन बाद डाले थे। आज आपका धान कितने दिन का हो रहा है? आज करीब लगे हुए हो रहा है 40 दिन का, लगभग 40 से 45 दिन। 40-45 दिन का धान हो गया है। तो डालने के बाद सर जब आपने धामन डाला उसके बाद आपको क्या फसल में क्या सर लाभ मिला? कलरों में फुटाव ज़्यादा है, व्यास बढ़िया है बिल्कुल। और पत्तियों का कलर कैसा है सर? पत्तियाँ तो हरी हरी हैं, हरी काली गहरी काली हो गई ना। अच्छा, जिसमें आपने धामन का प्रयोग नहीं किया था, जिस खेत में नहीं डाला होगा उससे, या इसके पहले जो आप धान कर रहे थे तो उसमें और धामन में फिर आप बहुत अंतर है। बहुत अंतर है, बहुत अंतर। मतलब धामन को, धामन से संतुष्ट हैं सर? बिल्कुल। और आपके गांव में जो है जो और किसान धान लगा रहे हैं या लगा चुके हैं उनके लिए क्या संदेश? वो जो लेट लगे हैं अभी पड़ रहा है, तो रिप्लाई करते भी हैं। हाँ, डाल भी रहे हैं लोग। मतलब आप जानकारी दे रहे हैं बिल्कुल कि धामन का प्रयोग करिए। बिल्कुल। वैसे इसका सही प्रयोग जो है 20 दिन के अंदर जो है रुपाई के 20 दिन पे आप इसका छिड़काव कर दें। पहली यूरिया जब डालते हैं उसी टाइम जी जी, तो धान में जो है धामन से आप पूर्णतः संतुष्ट? बिल्कुल। हमने खाद भी तो नहीं डाली ना एक। अच्छा, खाद नहीं डाले हैं आप? केवल 5 किलो बीघे के हिसाब से यूरिया में मिला के छिड़काव हुआ है बस। ये देख लीजिए ये धान है, जबकि इसमें भी इन्होंने 5 किलो बीघा मतलब नाम मात्र के यूरिया है। यूरिया नहीं, केवल धान वो बुआई के लिए, हाँ केवल धामन ही इन्होंने डाला है। और आज जो है धान की बढ़वार और धान में व्यास पूरी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक भैया, धन्यवाद।